बात की जाए काशीपुर पुलिस की तो लगातार काशीपुर पुलिस जो है वो एक्शन मोड में दिखाई दे रही है। वहीं बात करें बैक टू बैक काशीपुर पुलिस द्वारा खुलासे किए जा रहे हैं, जो अपराधी हैं उन्हें पकड़ा जा रहा है। चाहे बात करी जाए हाल ही में हुए ATM चोरी मामले की, चाहे बात की जाए जो घरों में डकैती की बात है, वहीं हम दूसरी तरफ बात करें जो सर्विलेंस टीम है उनके द्वारा भी लगातार कई मोबाइल पकड़े गए जो कि लोगों को वापस लौटाए गए। तो इसी तरह से वहीं काशीपुर पुलिस जो है इतना एक्टिव मोड में दिख रही है। तो साथ ही साथ महिला हेल्पलाइन की बात करें, महिला पुलिस भी काफ़ी एक्टिव मोड में दिखाई दे रही है। और बात की जाए महिलाओं की सुरक्षा की तो उस पर भी पूरे ध्यान रखा जा रहा है। वहीं आपको बता दें कि हंस फाउंडेशन द्वारा पुलिस मुख्यालय में कई सारी स्कूटी महिला पुलिस के लिए दी गई थी, जिसको कल रुद्रपुर में CM धामी ने अपने रोड शो के दौरान अमलीजामा पहना दिया है। तो और वहाँ से स्कूटी जो है वो रवाना हो चुकी थी। आज काशीपुर कोतवाली में हम आपको दिखा रहे हैं कि दो स्कूटी जो है महिला पुलिसकर्मियों के लिए यहाँ पर भी मौजूद है। आप देख सकते हैं इसमें हूटर लगा हुआ है, इसमें माइक्रोफोन लगा हुआ है, पूरी तैयार ये जो स्कूटी है वेल इक्विप्ड स्कूटी यहाँ पर पहुँची है, ताकि किसी भी महिला को अगर कभी भी आवश्यकता पड़ती है मुसीबत के समय वो महिला हेल्पलाइन पर कॉल कर सकती है। और पुलिस जो है, महिला पुलिस जो है वो तैयार है, बिल्कुल तत्पर है उस महिला की सुरक्षा के लिए, उसके लिए वहाँ समय पर पहुँचने के लिए, मौके पर पहुँचने के लिए। तो इसी को लेकर आज हम चर्चा करेंगे। आपको लेकर चलते हैं काशीपुर कोतवाल मनोज रतूड़ी के पास। तो सर मैं आपका सुरागला न्यूज़ चैनल में स्वागत करना चाहूँगी। थैंक यू। तो सर क्या बताना चाहेंगे कि महिला हेल्पलाइन जो है उसको किस तरह से इतना एक्टिव किया जा रहा है, क्या कार्य प्रणाली जो है वो चल रही है, किस तरह से नए जो अपडेट्स आ रहे हैं उसके बारे में कुछ बताइए। महिलाओं से संबंधित जैसे अपराध होते हैं, कई बार क्या है हमारे पास पति पत्नी के झगड़े आते हैं, पड़ोसियों से महिलाओं के विवाद होते हैं और कई प्रकार अफेयर्स के संबंध में कुछ झगड़े होते हैं। तो हमने नोट किया कि जब पुलिस कर्मचारी वहाँ पर कोई पुरुष जाता है तो महिला उतना कंफर्टेबल फील नहीं करती है, उसको लगता है कि उसकी बात नहीं सुनी जाएगी, पुरुष की ज़्यादा बात सुनी जाएगी। तो इसी थीम पर काम करते हुए हमारे DGP महोदय और हमारे SSP महोदय द्वारा एक नया प्रयोग किया गया है। हंस फाउंडेशन के माध्यम से, माता श्री मंगला देवी के माध्यम से हमारे पास उधमसिंह नगर जनपद में स्कूटी आई है। इन स्कूटियों का थीम ये है कि कहीं पर भी यदि महिला संबंधित कोई अपराध होता है, खास करके ट्रैफिक में या जैसे कई बार मेले ठेले होते हैं जहां महिलाओं की ज़्यादा भीड़ रहती है, तो ऐसी जगह पर हमारी महिला कर्मचारी, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे पीछे कि हमारी महिला कर्मचारी हेलमेट पहन के और स्कूटी लेके वहाँ पर जाएंगे। और वहाँ पर क्योंकि वेल इक्विप्ड हमारी ये स्कूटियाँ हैं जिनमें हमारे सेट लगे हुए हैं, हम बोल मौके पर हम बोल भी सकते हैं, तो एक सुरक्षा की भावना आती है कि हमारी ही साथ की लड़की हमारी सुरक्षा के लिए, हमारी सेवा के लिए आई है। तो इस थीम को लेकर हमने ये स्कूटी का वो करा है, जिसमें कि हमारी ये महिला, हमारे थाने में 4 महिलाएं हैं, 2 स्कूटी हमें मिली हैं, तो मौके पर जाके हम लोग इसमें काम कर रहे हैं। ये भी महिलाएं हैं, उनको बताना चाहूंगी कि आप देख सकते हैं ये स्कूटी जो है यहाँ पर, ये स्कूटी काशीपुर की कोतवाली जो है यहाँ पर, ये 2 स्कूटी आई है जिसमें की बात करी जाए प्रॉपर वेल इक्विप्ड ये स्कूटी है। बात करें हम यहाँ पे माइक लगा हुआ है, यहाँ पर सायरन लगा हुआ है, पूरी तैयारी के साथ में यहाँ पर महिला हेल्पलाइन जो है काशीपुर की महिलाओं के लिए बिल्कुल तैयार है। उत्तराखंड की खबरों से जुड़े रहने के लिए आप हमें सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर सब्सक्राइब, लाइक और फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।